सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू एवं लातेहार जिले में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर पर्यावरण धर्मगुरु व बनराकी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने छतरपुर अनुमंडल के बैजनाथ प्रसाद के पुत्र पवन कुमार एवं बिहार के औरंगाबाद मदनपुर के नरेश्वर प्रसाद गुप्ता के पुत्री प्रियंका और मेदिनीनगर निमिया निवासी विजय कुमार के पुत्र अविनाश कुमार तथा गढ़वा जिले के सुखवाना नवादा निवासी एसआई अमेरिका राम के पुत्री चंदा के विवाह के बाद रिसेप्शन पार्टी में वर वधु को आशीर्वाद स्वरूप थाईलैंड का आम, नेपाल का रुद्राक्ष, हिमाचल का कपूर और भूटान का सिंदूर का पौधा देते हुए उनके सुखद और समृद्ध जीवन की कामना की। पर्यावरणविद ने कहा कि पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों के तहत पहला मूल मंत्र में कोई भी शुभ कार्यों पर पौधा को लगाना एवं दान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि घर में सदस्यों की संख्या बढ़े तो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वृक्षों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा को हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का रूप माना जाता है। वहीं पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने से आने वाले दिनों में लोगों को ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल किशोर केवल बरसात ही नहीं बल्कि अन्य मौसमों में भी पौधा लगाने और बांटने का काम को विराम नहीं देते। यूं कहे कि उनका यह अभियान अनवरत जारी है, जिसका उन्होंने संकल्प आज से 5 दशक पूर्व लिया था। ठंड के मौसम में भी उन्होंने डाली बाजार के रविंद्र कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, कामता सिंह के गृह प्रवेश पर आम का पौधा तथा चिरू पंचायत के भली टोला के धर्मदेव उरांव श्राद्ध कर्मों में भी पैसा और चावल देकर पौधा लगाकर उसे बचाने का संदेश लोगों को दिया। पर्यावरणविद कौशल ने आज कर्म सिद्धांत, पूर्ण जन्म, ब्रह्मचार्य तथा संन्यास के 4 स्तंभों के द्वारा अपने दर्शन से लोगों का उद्धार करने वाले समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जयंती पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लातेहार के पत्ती वन क्षेत्र में वन प्राणियों को भोजन दिया। उन्होंने वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि वनों में आग लगने से उसे बचाए, नहीं तो वनों के साथ साथ प्राणियों का भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। वन एवं वन्य प्राणी पर्यावरण का प्रमुख अंग, इसकी हिफाजत हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। इस साप्ताहिक मांगलिक कार्यक्रम एवं श्राद्ध में शामिल प्रमुख लोगों में छतरपुर के बबुआ जी उर्फ रवि शंकर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद सिंह, अरुण सिंह, गणेश सिंह, मोहन जायसवाल, मुन्ना जायसवाल, सचिन कुमार पांडे, डॉक्टर रमेश कुमार, बसंत विश्वकर्मा, रामजी प्रसाद, विनोद यादव, सुचित कुमार, यूनिस अंसारी, शिवनाथ उरांव, अशोक उरांव, कलेश्वर उरांव समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। यदि घर में लोग सदस्य अगर बढ़े तो पौधों की भी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जीने के लिए हवा की जरूरत है और हवा एक जो पौधा है जो ऑक्सीजन का सिलेंडर की तरह साबित हो रहा है, इसको अगर हम लगा के नहीं बचाएंगे तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहेगा। इसलिए आज बैजू बाबू के वर वधु के आशीर्वाद देते हुए उनको रुद्राक्ष का पौधा और आम का, थाईलैंड का आम का पौधा और साथ में गहू के कपूर का पौधा देकर के इनको स्वागत आशीर्वाद देते हैं। जो धाई से स्वागत।